है गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे अपने नज़दीकी आधार सेंटर के बारे में पता करें कि हमारा आधार सेंटर कहाँ है। आजकल हम लोगों के बीच में आधार सेंटर की जरूरत किसकी नहीं पड़ती है। अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर से लिंक या नया आधार कार्ड बनवाने के लिए हमें आधार सेंटर की आवश्यकता पड़ती है। ये क्योंकि हमारे साइबर कैफे वाले या फिर किसी भी दुकानदार वाले ये सब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। सो इसलिए हम बात करेंगे कि कैसे अपने नज़दीकी आधार सेंटर के बारे में पता करें कि हमारा आधार सेंटर कहाँ है। कई बार हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि आधार सेंटर मेरा कहाँ है नज़दीक रहते हुए भी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर के बारे में पता कर सकते हैं और अपने जाकर नज़दीकी व्यक्ति से मिलकर उसको एड्रेस बताकर आप जाके आधार सेंटर में प्रवेश कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं या फिर जो भी आपको अपडेट करना हो करा सकते हैं। सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे और उसमें एड्रेस भी दिखाया जाएगा कि कैसे आप, मतलब आपका जो एड्रेस है वो कहाँ है, कहाँ पर आधार सेंटर है। इसलिए आप जाए और वहाँ के नज़दीकी व्यक्ति से जाकर बात करें और आधार सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करें और जाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर का पता लगा सकते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि आधार सेंटर के क्या क्या उपयोग होते हैं, आप आधार सेंटर के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था। तो देखिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले हम गूगल क्रोम को खोलेंगे, इसमें लिखेंगे गूगल खोलेंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फर्स्ट लिंक खोलते हैं, इसमें दिखा रहा है हमारा माई आधार पर क्लिक करेंगे ऐसे, तो इसमें दिखा रहा है ऐसे, आप देख सकते हैं ऐसे कुछ नहीं होगा। आप जाएंगे यहाँ पर ऐसे रख देंगे, बस ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें लिखा रहा है गेट आधार, उसके नीचे लिखा हुआ है कि लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर कि आप कैसे पता करें लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, यानी आपके आधार सेंटर के बारे में। इस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं या फिर इससे नहीं खुलता है तो ऐसे आप जा सकते हैं, इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं, इसको साइड भी कर सकते हैं इसको ऐसे, और उससे नहीं होता है तो जाएंगे ऐसे और ऐसे क्लिक कर देंगे, फिर ये फर्स्ट लिंक खोल देंगे लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर। इसमें दिया है हमारा ऑप्शन कि पिन कोड से खोलना चाहती हैं फिर स्टेट लेवल से। तो हम सबसे पहले, मैं दोनों टाइप से आपको बता दूंगा। एक मैं स्टेट वाला सिलेक्ट करता हूँ, उसमें सिलेक्ट करना है हमारा स्टेट कौन सा है, इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया। हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, आप भी कर लीजिए। और सब डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है तो ये हमारा बरहड़िया हो जाएगा। और विलेज के नेम चूज करने के लिए दिखा रहा है, चूज कर लिया। उसके बाद आईएसओ वाली परमानेंट एड्रेस, इस पर टिक आउट कर देना है। और उसके बाद दिखाएगा हमारा ये कैप्चा फिल करने के लिए, कैप्चा मैंने फिल कर दिया, देख सकते हैं दोस्तों इसमें लिखा है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है लोकेट अ सेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे तो दिखा रहा है हमारा। इसमें देखिए बैक के लिए ऑप्शन दे रहा है एनरोलमेंट सेंटर फंड, देखिए रजिस्ट्रार एड्रेस CSC एड्रेस अहमद कॉम्प्लेक्स चाणी बाजार सिवान बरहड़िया सिकंदरपुर बिहार 84-14-34, लास्ट अपडेट डेट इतना है हमारा, यानी 25 फरवरी 2021 को ये हमारा लास्ट अपडेट डेट हुआ है और लास्ट 30 डेज इनरोलमेंट 0 अपडेट्स हुआ है हमारा, 0 अपडेट्स। देख सकते हैं ये हमारा परमानेंट एड्रेस है, इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट वाले लिंक पर जाना है और उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपने स्टेट को देख लेना है कि आप किस स्टेट में रहते हो, इसको चूज कर लेना है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है
और उसके बाद अपने गांव को चूज कर लेना है या अपने पंचायत को ही चूज कर लेना है, गांव का नाम नहीं दिखा रहा है। अब इसमें कैप्चा को फिल कर लेना है, मैंने कर लिया। देखिए अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है कि कैपिटल है या स्मॉल, तो आप इसको रीलोड मार सकते हैं, फिर यहाँ ना चेंज होकर दूसरा आ जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसको फिल करूँगा, देख सकते हैं मैंने कैप्चा को फिल कर लिया। अब लोकेट ऐसे एंटर कर देंगे, अब उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा क्या दिखा रहा है, ऊपर दिखाएगा ऑप्शन रॉन्ग वेरिफिकेशन टेक्स्ट इंटर्ड, यानी मैंने जो कैप्चा फिल किया ये गलत है, हमें फिर से फिल करना होगा। देखिए इसमें कोई टाइम आउट की परेशानियाँ नहीं रहती है, इसलिए आप आराम से कर सकते हैं। देख सकते हैं लोकेटर सेंटर, अब मैंने क्लिक कर दिया। अब दिखा रहा है रजिस्ट्रार एड्रेस सीएससी सेंटर अहमद कॉम्प्लेक्स श्याणी बाजार सिवान बरड़िया सिकंदरपुर, आप देख सकते हैं कैसे दिखा रहा है। यह हमारा पिन कोड भी दिखा रहा है और इसमें लास्ट अपडेट का भी डेट दिखा रहा है हमारा। अब देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको बैक कर लिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टिक्स, पोस्टल पिन कोड दिखा रहा है। अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता है, अपने पिन कोड को भर देना होता है, इसको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद कैप्चा को फिल करना है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगते हैं और उसमें भी तो ज़्यादा समय नहीं है, बहुत आसानी से भरा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और आज ही जाकर अपने इनरोलमेंट सेंटर का पता लगाएं और फिर आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को जरूर सुधरवाएं। देख सकते हैं दोस्तों वही मैसेज आया हमारे पास, रजिस्ट्रार एड्रेस सीएससी सेंटर अहमद कॉम्प्लेक्स चाड़ी बाजार सिवान बरड़िया सिकंदरपुर बिहार 84-14-34, लास्ट अपडेट हमारा वही दिखा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे किया, बस आपको करना कुछ नहीं है, इसमें लिखा हुआ है माई आधार, इस पे जाके लोकेट एंड इनरोलमेंट सेंटर, इस पे क्लिक करना है और आपको अपने एड्रेस देने हैं, फिर पता कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप कि आपके लिए बहुत आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।